देना तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, देयर वाज सम वाईफाई इशू और उसकी वजह से मुझे लगा आई विल स्टार्ट सेशन क्वाइट लेट, बट ठीक है अभी हो गया। तो एक बार बच्चों को नोटिफिकेशन, क्लास इज नॉट क्लीन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर सो दैट स्टूडेंट्स कैन जॉइन मी नाउ। ओके, so now let me see, तो बच्चों पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्वेश्चन बैंक नहीं है यार, मजाक के, मजाक के बकवास करती है बोर्ड आप लोगों के साथ। लिटरली आई एम लाइक सरप्राइज, इट इज अ क्वेश्चन बैंक। अगर इससे बेटर वो आप लोगों को ये बोल देते कि पूरा ही टेक्स्ट बुक पढ़ लो तो इट वॉज मच बेटर देन उन्होंने जो दिया है। तो दिस इज समथिंग, क्या बोला जाए आपके बोर्ड को, इसके लिए तो बिल्कुल ही नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बकवास कर रहे बेटा, लेकिन क्या कर सकते हो, आपको उनकी बकवास झेलनी पड़ेगी, आपको उनकी बकवास झेलनी पड़ेगी। एंड दैट इज मतलब इतने पेजेस जो कि खत्म ही नहीं हो रहे, वाओ। तो बच्चों, और आप दे कितने दिन पहले रहे हो, एग्जाम के एक महीना पहले भी नहीं सही से दे रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम बच्चों के साथ। सही है, क्वेश्चन बैंक के नाम पे बच्चों ने क्वेश्चन बैंक मांगा है, मतलब कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो। कहाँ से ये बोर्ड को मतलब सोचने या समझने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। जितने क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक से बन सकते थे मिला जुला के 10-20 एक चैप्टर में से 100-200 सारे ही डाल दिया है। वाओ, बच्चे पढ़ेंगे कब यार, तुम मजाक कर रहे हो बच्चों के साथ। सही है बेटा, लेकिन क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, उनको मजाक करनी है, कर लेने दो यार, उनकी मर्जी है। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, तुमको तो पढ़ना पड़ेगा यार बेटा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लिटरली मतलब आशीष, मैंने तुमको बोला था ना इतना छोटा क्वेश्चन बैंक, तो माई इंटेंशन वॉज की मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट मैं 12th स्टैंडर्ड का देखूं तो देर आर सम लिमिटेड क्वेश्चंस यार। यहाँ पे क्या है, मतलब 200 MCQs दे दो आप, 100 फाइंड द ऑड वन आउट दे दो, 555 700-800 क्वेश्चन तुम एक सब्जेक्ट से दे दो मिला जुला के तुमको दो तीन। बच्चे पढ़ेंगे कब यार, पढ़ेंगे कब, तुम उनपे उनका प्रेशर कम कर रहे हो या तुम ये क्वेश्चन बैंक देके उनका प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस का क्वेश्चन बैंक आने के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ इट वॉज लाइक इतना लेट, ग्रेट, इतना लेट और उस पर इतना इजी क्वेश्चन बैंक। हैट्स ऑफ टू बोर्ड, हैट्स ऑफ, वो हमारे बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, वो क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, वेरी गुड। बट वो क्वेश्चन बैंक आपके प्रेशर को कम करने के लिए नहीं, आपके प्रेशर को बढ़ाने के लिए दे रहे। बट एनी वेज यार बच्चा क्या कर सकते, उनकी मर्जी है, आपको तो झेलना ही पड़ेगा। ओके, तो लेट मी सी हु हैज जॉइंड, रुबीना हैज जॉइंड अस एंड देन वी हैव सुनैना, बाकी सारे बच्चे लगता है स्कूल में होंगे। फाइनली मैम योर लाइफ, हाँ आई एम लाइफ मैम। रोज क्लास किती वास्ता असतो, रोज क्लास किसी किती वास्ता असतो, हे रेग्युलर नाही आहे माझ्या अवेबिलिटी वर असते, जेव्हा मला टाइम मिळते तेव्हा मी लाइव जाते। येस, इससे अच्छा बुक पढ़ लो, दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज नॉट फॉर क्लास 12, दिस इज फॉर क्लास 10th। तो रादर वेस्टिंग योर टाइम, यू गाइज नो मैं पहले स्टार्ट साइंस पार्ट टू से ही करूंगी। शाम में एक सेशन होगा जिसमें मैं साइंस वन लेके आऊंगी, बट मेरा शुरुआत ऑब्वियसली ऑब्वियसली साइंस टू से ही होने वाला है। तो पहले आज मैं आप लोगों के साथ जो सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ, आज दो क्लास है, आज 2-3-4-5 माई ब्लूटूथ 2-3-4-5-10-20-50 ऐसे बहुत सारे क्लासेस होंगे जब तक कि आपका,
हाँ सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही कि एग्जैक्टली मैंने जब मैथ्स का भी क्वेश्चन बैंक देखा, इट इज लाइक पथेटिक यार, इट इज पथेटिक, मतलब क्या बोला जाए, लेकिन कर क्या सकते यार, वी ऑल आर हेल्पलेस, बस हमें इनके चीजों को फॉलो करना है। पहले आपने एग्जाम लेनी है, अपने बच्चों के लाइफ के साथ खेलना है, एग्जाम लेनी है, स्टिल जस्टिफाइड, बट ये करना, वाओ ग्रेट मैम, इम्पोर्टेंट सांगा ना बेटा, तुमची इम्पोर्टेंट बोर्ड इथे दिली आहे, 750 800 क्वेश्चन आहे त्यामध्ये। हाय सय्यद आदिबा, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, सबके हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी यार, मुझे नहीं पता कितने साल में मेरा भी लिख के होगा वो, बट हो गया, Science 2 ऑल्दो मैंने कंप्लीट कर लिया है तो आपको मिल जाएगा। एनीवेज वी विल स्टार्ट दिस, 10th वाले आए नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी इन स्कूल, वेयर इज नो इश्यू, द शो मस्ट गो ऑन। तो बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, अगर इंफॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जाता है तो यू ऑल नो इट इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, सिमिलैरिटी इन द इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट डैश एविडेंस, अगर इनिशियल स्टेज में सिमिलैरिटी होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है, तो बेटा यू नो इट इज नथिंग बट इट इज एन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, जहां पे हम बच्चों के एम्ब्रियोइस को जब कंपेयर करते हैं तो ये देखते हैं इनिशियल स्टेज में हम सबके जो एम्ब्रियोइज होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, विजडम टीथ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, विजडम टीथ, ईयर पिना और बॉडी हेयर, ये सब कुछ क्या है बच्चा, ये सब कुछ हमारे बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन है। प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स आर ऑसीन, बोन्स के अंदर जो प्रोटीन लोकेटेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, तो उनको हम ऑसीन बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2, NADH2 का सिंथेसिस करने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, तो बच्चा NADH2 का सिंथेसिस करने के लिए विटामिन B2 की जरूरत होती है, विटामिन B2 इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADH2। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, डैश सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, कौन सा सेल जो होता है वो माइटोसिस से डिवाइड होता है, तो बेटा सोमैटिक सेल भी माइटोसिस डिवीजन करता है और स्टेम सेल भी माइटोटिक डिवीजन करता है, तो योर आंसर हैज टू बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सब का सोल्यूशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्योकाइनेसिस इज, कार्योकाइनेसिस का पहला स्टेप क्या है, तो इट इज नथिंग बट प्रोफेज, कौन सा फेज, प्रोफेज, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस। हाय पवन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस, तो डाइप्लेटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस, वो माइटोसिस का पार्ट नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स, हमें कितनी एनर्जी मिलती है लिपिड से, 9 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है बेटा, तो ध्यान देना खुशी खुशी में ग्राम्स या किलोग्राम्स में मत करके आना, इट इज अ 9 किलो कैलोरी की एनर्जी। इन ह्यूमंस देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बच्चा पेयर्स पूछा है जरा सा ध्यान दे देना, पेयर्स पूछा है, तो हमारे बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और अगर नंबर्स में देखे तो दे आर 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसा है इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग या बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग है मल्टी सेलुलर में, तो बर्डिंग इज द राइट आंसर, बर्डिंग क्या है आपके लिए राइट आंसर है। अगला सवाल आपको दे रखा है, फाइंड द ऑड वन आउट, इनका इतना मन कर रहा था ऑड वन आउट देने का कि ऑलरेडी ऑड वन आउट का एक सेक्शन दे दिया लेकिन एमसीक्यूज में भी डाल दिया। स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, ओवेरी, तो बेटा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी दिस आर दी पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
एंथर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसलिए एंथर इज दी ऑड वन आउट, इसमें एंथर जो है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय पे देर आर डैश ऊसाइट इन दी ओवेरी ऑफ फीमेल फीटस, कितने ऊसाइट जो होते हैं वो फीमेल फीटस के ओवेरी में होते हैं बेटा? 2 to 4 million। कितना होता है? इट इज 2 to 4 million। 2 to 4 million इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। द मॉडर्न टेक्निक, द मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक इज यूज इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटरस। बेटा देखो इसमें क्या बोला गया है कि फीमेल के यूटेरस में प्रॉब्लम है, फीमेल के यूटेरस में प्रॉब्लम है मतलब वो बेबी को होल्ड नहीं कर सकते हैं फॉर 9 मंथ। तो ऐसे केस में क्या रिफर करोगे? तो ऐसे केस में सरोगेसी इज द राइट आंसर। स्पर्म बैंक वी यूज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम तब यूज करते हैं जब फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। नन ऑफ दिस नहीं, सरोगेसी इज द राइट आंसर। हाय जय, कहाँ थे बेटा तुम अभी तक के? इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियोय अकर इन डैश। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है एम्ब्रियोय का? मतलब एक बारी जब फर्टिलाइजेशन हो जाए प्रॉपरली तो उसके बाद इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? तो बेटा इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में। यूटेरस इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा यूटेरस। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज गिवन? बच्चों जैसे एमसीक्यूज दे रखे यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट बकवास कर रहे हैं इन अ सिंपल वर्ड। इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर इन द ऑर्गन ऑफ, इन ह्यूमन तो नहीं बोल सकते हो बट इन मेल्स बोल सकते हो। मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो भैया मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टीज में होता है। टेस्टीज इज द राइट आंसर, टेस्टीज इज द राइट आंसर। ठीक है आदिबा, मैं वन शॉट ले लूंगी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का। प्रेग्नेंट मदर सप्लाई नरिशमेंट टू हर फीटस थ्रू, किसके थ्रू जो है वो क्या करेगी और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी? तो बेटा यू नो एक आफ्टर 3 मंथ बच्चे का प्लेसेंटा और माँ का प्लेसेंटा जो होता है वो अटैच्ड हो जाता है और उसी प्लेसेंटा के थ्रू वो क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। डैश ट्विंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियॉय, कौन से ट्विंस फॉर्म होते हैं अगर मैंने सिंगल एम्ब्रियॉय का यूज किया? सिंगल एम्ब्रियॉय का मतलब हो जाएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक ही जाइगो, हाँ अम्बाइकल कॉर्ड, बट अम्बाइकल कॉर्ड सिंस इट इज नॉट देयर इन ऑप्शन आशीष, देन प्लेसेंटा विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो ए यार ये पेन टैप, मोनोजाइगोटिक ट्विंस इज द राइट आंसर, जहां पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक सिंगल सेल से बनते। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय डैश डिवीजन इन द लोक्यूल्स ऑफ एंथर, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय डैश डिवीजन, पोलन ग्रेन कौन से डिवीजन से बनते हैं इन द लोक्यूल्स ऑफ एंथर? मोनोजाइगोटिक, माइटोसिस इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये बताओ मुझे, पोलन ग्रेन मियोसिस से होता है कि माइटोसिस से होता है? हाय ओम, हाउ आर यू बेटा? ओके नाउ जस्ट टेल मी, दिस इज एक सेकेंड हा, ओके कूल। तो फटाफट बताओ पोलन ग्रेन में अगर हम देखें तो व्हाट इज द केस? पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय डैश डिवीजन, कौन सा डिवीजन करेंगे ये? ओके, कुनाल इज सेइंग माइटोसिस, वेटिंग फॉर अदर्स रिप्लाई एंड देन कमिंग बैक। हाय कशिश गुप्ता, आशीष तुम कहाँ सो रहे हो? ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पोलन ग्रेन जो होता है बेटा, यस यस कुनाल आई गॉट योर आंसर, माइटो, अदर्स अदर्स अदर्स, बट बेटा ये नहीं भूलो कि जो माइट अ
तो यहाँ पे यू कैन सी कि पोलन ग्रेन इज बेसिकली अ मेल गैमेट, और यहाँ पे जो आपके मेल गैमेट का डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। आस राइट आंसर क्या है? माइटोसिस करेक्ट है ना? ऑब्वियसली। एक सेकेंड है यार, आजकल ये मेरे पेन टैब को पता नहीं क्या हो गया है। आई विल जस्ट टेल यू हियर, थोड़ा सा इतना अपना दिमाग लगाना कि पोलन ग्रेन एक्चुअल में मेल गैमेट्स होते हैं, और ये फीमेल्स में स्पर्म्स कौन से प्रोसेस से बनता है? बच्चों मैं आती हूँ इस क्वेश्चन पे, दोबारा आती हूँ, तुम जरा मुझे तब तक अपना दिमाग लगा के बताओ। वी विल कीप दिस क्वेश्चन ऑन होल्ड, वी विल कीप दिस क्वेश्चन ऑन होल्ड, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को होल्ड पे रखो। असेक्सुअल, सिर्फ ये बताओ, जैसे कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वैसे ही पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय डैश सेल डिवीजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से सेल डिवीजन से होता है बच्चों? तो इट इज माइटोटिक सेल डिवीजन, राइट? द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन पैरामोशियम। पैरामोशियम के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, सॉरी, पैरामोशियम किस तरह का रिप्रोडक्शन शो करता है बच्चों? दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड टू यू। तो बच्चा, पैरामोशियम जो है ना, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन शो करता है। क्या शो करता है बेटा? ये शो करता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन मियोसिस, मियोसिस में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। जनरली एवरी मंथ डैश ओवम इज रिलीज्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कितने ओवम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज होते हैं? तो सिंगल वन, आपका आंसर आ जाएगा वन, योर आंसर विल बी वन। वन ओवम जो है ये रिलीज होता है। डैश इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट है? यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या तो गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। तो योर आंसर विल बी एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज द राइट आंसर। डैश इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में केमिकल फैक्टर कौन सा है? तो इट इज अ सनलाइट। इट इज अ सनलाइट। नहीं बेटा, यूनिसेक्सुअल में इट कैन बी ईदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इट कैन बी ईदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो योर आंसर हैज टू बी एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यार ये ना, इसके अलावा आपको क्या दे रखा है? डैश इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है अबायोटिक कंपोनेंट का? तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका? अबायोटिक कंपोनेंट का। डैश इज अ रेयर स्पीशीज। कौन सा इसमें से रेयर स्पीशीज है? तो बेटा ये जो मस्क डियर है ना, मस्क डियर इज द रेयर स्पीशीज। यहाँ पे हमने 27 देख लिया। डैश इज एन इंटरमीडिएट स्पीशीज। 26 का आंसर, 26 का आंसर, डैश इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज समथिंग जो कि हमें मिलता है कहाँ से? तो ये हमें मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन इज द राइट आंसर। डैश इज एन इंटरमीडिएट स्पीशीज। इंटरमीडिएट स्पीशीज कौन सा है? वो स्पीशीज जिसकी संख्या कम हो गई है या बढ़ गई है आपको पता नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, दैट इज जाइंट स्क्विरल। दैट इज जाइंट स्क्विरल। ऑर्गेन अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिटी अकर हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, या तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन डैश हैज बिकेम अ प्राइमरी नीड। मॉडर्न सिविलाइजेशन में प्राइमरी नीड क्या है? अलॉन्ग विद फूड क्लोथ एंड शेल्टर अगर हम बात करें तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में एनर्जी,
एनर्जी जो है ये क्या है, एक तरह का हमारे लिए प्राइमरी नीड है। मोस्ट ऑफ दी पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ज्यादातर हमारे जो प्लांट होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? तो बच्चों दे आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हाय हाय प्रणव। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज गिवन बाई साइंटिस्ट, तो इट वॉज गिवन बाई माइकल फराडे। किसने दिया था ये प्रिंसिपल? माइकल फराडे ने दिया था। ओके, अब क्या दिया हुआ है? इन अ पावर प्लांट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी डैश इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। क्या यूज करते हैं हम जनरेटर को रोटेट करने के लिए? तो बच्चा हम जनरेटर को रोटेट करने के लिए स्टीम टर्बाइन का ही यूज कर रहे हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज हम टर्बाइन को रोटेट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो अभी भी आपके टर्बाइन को कौन रोटेट कर रहा है? आपके टर्बाइन को स्टीम टर्बाइन ही रोटेट कर रहा है। हाय मुनाली, हेलो बेटा। बच्चों अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लेना। व्हेन अ न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन द एटम ऑफ यूरेनियम डैश न्यूट्रॉन इज जनरेटेड इन अ प्रोसेस। कितने न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं बच्चा? 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। तुमने ये पढ़ रखा है, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है, तो 3 न्यूट्रॉन जो है वो जनरेट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन अ फ्लोइंग वाटर डराइव डैश टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसको ड्राइव करती है? टर्बाइन को। जब वाटर फ्लो करता है आपका टर्बाइन घूमने लगता है, और जब आपका टर्बाइन घूमने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रुबीना चौधरी। विंड टर्बाइन विद अ कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल। कितने के विंड टर्बाइन की कैपेसिटी जो है बच्चा वो अवेलेबल होती है? तो 1 किलोवाट से लेके 7 किलोवाट तक की एनर्जी, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 1 किलोवाट टू 7 किलोवाट इज द राइट आंसर, एंड आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया हुआ है? सोलार फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोलार रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू। बेटा सोलार फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा सेल है जो डायरेक्टली क्या करता है? सोलार एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अगेन अ राइट आंसर। आपका जो सही जवाब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेंशन ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट करंट ऑफ अबाउट। कितने का करंट वो जनरेट करेगा अगर हम लोग देखें? तो योर आंसर हैज टू बी 30 मिली एम्पियर। आपका जो यहाँ पे आंसर है ना बेटा, योर आंसर योर हैज टू बी 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। फिर आपको क्या दे रखा है? अ सोलार सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट डैश पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं? 0.5 वोल्टेज का। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन। न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट हम किस पे करते हैं? बेटा हम यूरेनियम 235 पे करते हैं न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट। तो ये लोगों ने आई गेस 236 जो है ये लोगों ने क्या किया है बेटा? ये लोगों ने यहाँ पे जो 236 दे रखा है उधर आपको 235 होता है, बट ठीक है, बोथ विल मेक नो डिफरेंस। माय बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिमी, आई एम रिफर्ड एज। मेरी बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिमी है तो मैं कौन हूँ? मैं मॉल्यूस्का हूँ। माय नेम इज मॉल्यूस्का। मॉल्यूस्का दिस नेम कम्स फ्रॉम अ सॉफ्ट बॉडी एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मॉल्यूस्का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट इज नथिंग, इट मीन्स बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब बच्चा दोनों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो। तो स्कॉर्पियो, सेंटीपीड, कॉकरोचेस, ये सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें मेल और फीमेल। ओके बच्चा मैं वो चेक करती हूँ। नंदिन मामी, नंदिन मतलब भजन सभा जो भी है, मैं वो चेक करती हूँ 49 का। हाँ, मैं चेक करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन हर्माफ्रोडाइट एनिमल, योर आंसर विल बी डोलियोलम। डोलियोलम इज द राइट आंसर, डोलियोलम इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रीजनरेट इट्स ओन बॉडी पार्ट, कौन अपनी बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है, द आंसर इज स्टारफिश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन वार्म ब्लडेड एनिमल, इसमें से कौन है जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो बैट जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, बिकॉज बैट इज इंक्लूडेड इन दी फाइलम, बैट इज इंक्लूडेड इन दी क्लास मेमेलिया, ये क्लास मेमेलिया में। हाय मोहित, यार मोहित मुझे तुम्हारा ग्लाइकोजेनेसिस याद है बेटा, जब भी 10th का नॉर्मल लेक्चर लूंगी ना तो वो कंप्लीट करवाऊंगी। सॉरी बेटा अभी नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन बैंक 36 का ये आएगा ना, देखना पड़ेगा 36। अच्छा इट इज मेगा वॉट हो सकता है, मैंने तो 36 का ए ही रखो, मेगा वॉट फाइन। हाँ बेटा अभी सेकेंड पार्ट है, शाम में फर्स्ट पार्ट रहेगा। माई बॉडी इज डैश शेप शेप्ड, तो माई बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, मेरी बॉडी जो है वो स्पिंडल शेप्ड है। डैश एनिमल इज कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, अर्थवर्म इज कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैड अ कैल्शेरियस स्पाइन्स, कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे कैल्शेरियस स्पाइन्स होते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, द आंसर विल बी फ्रॉम बाईवेल, बिकॉज बाईवेल जो है ये फाइलम मॉलिस्का से बिलोंग करता है और वहां पे हमको ये देखने को मिलता है। डैश एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, हाय परमीत, डैश एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम कौन से एसिड का यूज करते, तो वी यूज लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन बैंक इस साल का है क्या, ये क्वेश्चन बैंक इसी साल है और हर साल क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता, और शुक्र है नहीं मिलता है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये क्वेश्चन बुक, क्या बोलने का मतलब, अभी आई डोंट फाइंड एनी वर्ड, बट दिस इज अ क्वेश्चन बुक जहाँ पे सिर्फ सवाल भरे हुए हैं बस और कुछ नहीं। नाउ आर डेज डैश आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पाउल्ट्री एज वेल, डायरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए और पाउल्ट्री का ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं बच्चा, हम यूज कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स का। आगे क्या दिया हुआ है, योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, योगर्ट एक मिल्क प्रोडक्ट है और ये किसके हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली, ये लैक्टोबैसिली के हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। डैश इज अ पावरफुल एंटीबायोटिक अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में क्या ऐसा है जिस पावरफुल एंटीबायोटिक्स कौन सा है, तो बेटा आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेफामाइसिन, रेफामाइसिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जिसकी मदद से हम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं। 1000% क्या बोल रहे, यस इट इज अ क्वेश्चन बुक नॉट क्वेश्चन बैंक, नॉट एट ऑल। डैश इज अ कमर्शियल इन द, डैश इज यूज्ड इन द कमर्शियल बेकर इंडस्ट्री, कंप्रेस्ड ईस्ट का यूज किया जाता है बेटा, लेकिन सिंपल भी है, बड़ा है लेकिन सिंपल है, मतलब हाँ बट सिंपल तो होता ही था ना, वैसे भी 10th में हो तुम लोग थोड़ी कोई डिग्री का एग्जाम दे रहे हो। मैम आप चश्मा उतारो। डैश इज अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट दैट रोल एज एन आर्टिफिशियल स्वेटनर, आपकी आंखें देखनी है, वैसे भी मेरी आंखें आपको कहाँ दिखने वाली है। ओके तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चा, किसको हम एज एन आर्टिफिशियल स्वेटनर का तरह पे यूज करते हैं, ज़ाइलिटोल और एस्पर्टेम, एस्पर्टेम ऑप्शन में नहीं है इसलिए एस्पर्टेम जो है वो ऑप्शन में नहीं है इसलिए ज़ाइलिटोल आंसर है। अगर यहाँ पे एस्पर्टेम होता तो हम उसको भी आर्टिफिशियल स्वेटनर की तरह यूज करते हैं।
एट द अर्लीएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ अ सेल विच इज ऑलमोस्ट लाइक एंड दे आर कॉल्ड एज नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज स्टेम सेल दे आर कॉल्ड एज स्टेम सेल। आपके चैनल को बेटा हर एक चीज को टाइम लगता है, मैंने अपने चैनल पे टाइम नहीं दिया तो इट विल डेवलप स्लोली, परमित रिलैक्स, आई डोंट माइंड एंड आप भी टेंशन नहीं लो, जस्ट रिलैक्स। स्टेम सेल इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन? मैम आंसर माई क्वेश्चन बैंक, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन बैंक। कुछ तो छोड़ा ही नहीं है, ये लोगों ने सब कुछ ही दे दिया, तो मुझे लगता है 80% क्वेश्चन, 80 भी यार मैं कम ही बोल रही हूँ, इट कुड बी अराउंड 80 to 90%, बट मैं वो एनालाइज करके आपको कल परसों तक बताऊंगी साइंस के क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि मैंने मुझे अभी एनालाइज करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं फिर वो एनालाइज करती हूँ कि वॉट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बेटा पूछा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर कराना है तो यहाँ पे किसकी ज्यादा जरूरत है? तो यहाँ पे बेटा ऑल ऑफ द अबव, तुमको ब्लड ग्रुप भी मैच करना चाहिए, फिर डिजीज ऑफ डोनर, एज ऑफ डोनर या ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। अवेबिलिटी ऑफ डैश इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। भैया अगर डोनर ही नहीं होगा देने वाला तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे कैसे? डॉक्टर होगा भी, डॉक्टर को क्या करना है, डॉक्टर को पैसे लेने, वो तो करेगा ही, तो डोनर का होना इज द राइट आंसर। द डिजीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज डायबिटीज। डायबिटीज 80-90% यार 90% प्लस क्वेश्चन तो आने चाहिए, बट मैंने एनालाइज नहीं किया, एनालाइजेशन के बेसिस पे मैं आपसे कल बताऊंगी, एनालाइजेशन के बेसिस पे कल बताऊंगी। फिर आपको बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रांसजेनिक रॉ पोटेटो को खा के हम लोग किसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी को जनरेट कर सकते, तो कॉलेरा जैसी बीमारियों के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी को जनरेट कर सकते हैं। बेटा तुमने क्वेश्चन बैंक कर लिया तो तुमने बुक भी कर लिया, तुमने डाइजेस्ट भी कर लिया, तुमने सब कुछ ही कर लिया है। क्वेश्चन बैंक हैज एवरीथिंग, क्वेश्चन बैंक हैज एवरीथिंग, तो देयर इज नथिंग विच यू कैन कॉल इट कि क्वेश्चन बैंक करने के बाद टेक्स्ट बुक में फिर अलग से क्वेश्चन मिलने ही वाले नहीं है, बट अगर कर सकते हो तो इट्स ग्रेट। द डैश हैज अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन में यूएसए में, सॉरी इंडिया नहीं, यूएसए में, यूएसए में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, अरे वाह, यूएसए में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो अगर कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले तो ऐसे छोटी छोटी चेंजेस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा बच्चा। तो योर आंसर विल बी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज द राइट आंसर। मेथड लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियोइड ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड इन। तो बेटा ये सारे मेथड्स हम यूज करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ताकि हमें सुपीरियर क्वालिटी के जो, आप किसका आंसर? हाँ बेटा करा दूंगी पूरा ही करा दूंगी अभी। वैसे बच्चों मैं बोल रही हूँ ना बेटा, मैं 12 बजे अपना सेशन खत्म कर दूंगी, क्योंकि 12 नहीं 11:55 पे, और फिर 2 बजे कंटिन्यू करवाऊंगी, बिकॉज बेटा इमीडिएटली आफ्टर दिस आई हैव माय एकेडमी सेशन एट 12, और जैसे ही मेरा वो सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा 2 बजे आप लोगों से यहाँ पे मिलूंगी, तो वो 11:55 को खत्म कर देंगे। डैश इज द रिवोल्यूशनरी इवेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद ऐसा कौन सा था जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था जिसने पूरे मेडिकल साइंस को बदल दिया? तो वो था आपका स्टेम सेल रिसर्च। वैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, डीएनए की डिस्कवरी भी थी, लेकिन डीएनए की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, आफ्टर क्लोनिंग जो आया है वो स्टेम सेल रिसर्च है। तो स्टेम सेल रिसर्च इज द राइट आंसर। बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिक व्हिच इज फटाल फॉर डैश वाज प्रोड्यूस्ड इन द लीफ ऑफ। इतना बड़ा रीड करने की जरूरत नहीं, और आंसर इज बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म इज द राइट आंसर।
डैश सेल डैश स्टार्ट्स एट द डे ऑफ 14th डे ऑफ कंसेप्शन, सेल डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है ऑन द 14th डे ऑफ कंसेप्शन, तो सेल डिफरेंशिएशन इज राइट आंसर। अभी देखो बच्चा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज डैश फॉर इंप्रूविंग नील क्रांति मूवमेंट। तो बेटा नील क्रांति मूवमेंट जो है इट वॉज बेसिकली एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर मतलब हम अपने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते। पाउल्ट्री नहीं है, पिगरी भी नहीं है, एपिकल्चर भी नहीं है, तो एक्वा कल्चर इज द राइट आंसर, एक्वा कल्चर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश इज प्रेजेंट इन द अम्बाइकल कॉर्ड बाय विच फीटस इज जॉइंट टू द यूटरस ऑफ द मदर। क्या प्रेजेंट होता है अम्बाइकल कॉर्ड में, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बाइकल कॉर्ड। अम्बाइकल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, यस नील क्रांति मिशन वॉज द ओनली ब्लू रेवोल्यूशन राइट, नील क्रांति मिशन वही था ना। हाँ, तो यहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन। स्टेम सेल सैंपल्स आर केप्ट इन, ऑब्वियसली सबसे ठंडी चीज में, तो आप इसको कहाँ पे रखोगे, लिक्विड नाइट्रोजन में रखोगे। फिनाइल केटोनोरिया अराइजेस ड्यू टू दी जेनेटिक चेंजेस इन, ये किसके जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है, तो बेटा ये देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा लीवर, लीवर इज द राइट आंसर, लीवर में जेनेटिक चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। डैश ऑर्गेनिज्म इज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर, हम किसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते, बायो फर्टिलाइजर ना, तो योर आंसर विल बी नोस्टैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एल्कोहल कंजम्पशन मेनली इफेक्ट दी नर्वस सिस्टम, ये किसको इफेक्ट करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे दी स्ट्रेस, किसको इफेक्ट, क्या चेंज करने के लिए, स्ट्रेस चेंज करने के लिए। डैश हेल्प्स टू इम्प्रूव दी कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडी, क्या इम्प्रूव करता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन को, हॉबी स्पोर्ट्स मेडिटेशन ईटेबल्स, वैसे तो हॉबीज भी थोड़ा तो, बट योर आंसर विल बी मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द राइट आंसर, मेडिटेशन जो है वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। डैश इन्फ्लुएंस अल्कोहलिक कंजम्पशन, अल्कोहलिक कंजम्पशन हमारे नर्वस सिस्टम को रोकता है ना बेटा, आई गेस नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई डोंट नो। डैश इन्फ्लुएंस इज, तो यस यहाँ पे पीयर ग्रुप इज द राइट आंसर, पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। डैश आवर डैश हैज बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो गई है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या होगी बेटा, वो चेंज हो गई है, पेपर नहीं होगा। हुसैन खान माइट भी पेपर ना हो, लेकिन आप डे वन तक मान लो अगर पेपर नहीं होगा, लेकिन अगर पेपर हो गया तो क्या करोगे, पढ़ के नहीं रखोगे, तो अगर पेपर हो गया तो तुम अपना काम करो यार, फिर अभी करो ना, अपना काम कर लेगा तो फिर कोई बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है पेपर कराएंगे, एक साल पूरा एकेडमिक ईयर का खराब नहीं कर सकते, अगर एक साल खराब कर देते तो अगले साल कितना लोड आएगा बच्चा, एडमिशंस किसके बिहाफ पे होंगे, फिर सबको सबको फिर अच्छी सी कॉलेजेस चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, हॉबीज लाइक डैश पेट एनिमल हेल्प्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट, अगर हम एनिमल्स को, पेट को क्या करेंगे, फीडिंग, हम एनिमल को जब फीड करें, रियरिंग, वैसे मुझे फीडिंग लग रहा है। गुड मॉर्निंग अभी, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो इसमें बच्चा तुम लोग को क्या लग रहा है यार, 47 में फीडिंग या रियरिंग, रेयरिंग करने भी जाएंगे लेके घूमने तो पॉजिटिव माइंडसेट ही होगा, बट मुझे फीडिंग ज्यादा लग रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज एज वेल। कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ डैश सब्सटेंस कॉजेस कार्सिनोजेनिक, तो टबैको जैसे सब्सटेंस का क्या करोगे, अगर आप कंजम्पशन करोगे
तो फिर वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होगा आपके माउथ में और लंग्स में। बेटा मान लो अगर तुमने टबैको का कंजम्पशन करा बड़ा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी कि अगर बेटा मान लो पेपर हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है, बिना पेपर के पास हो जाओगे तो ऐसे मतलब मजा नहीं आएगा तुमको। 10 साल से पढ़ ही रहे थे तो 10 साल से पढ़ रहे हो तो फिर इट रियली मेक्स गुड कि आप पता लगाओ कि व्हाट इज योर कैलिबर, व्हाट इज योर पोजीशन। बट इफ यू आर अगर आपके पेपर्स नहीं हो रहे ना बच्चा, तो आपको वो चीज पता नहीं लगेगी एंड दैट वुड बी रियली नॉट फॉर्चुनेट। मैम आप दिनेश सर को फॉलो करते हो क्या बच्चों? वो बच्चे जो मुझे जानते हैं दे नो कि मैम बहुत बिजी रहती है, मतलब मैं ऐसे फॉलो तो नहीं करती हूँ सर को, हाँ बट नाम सुना है एंड बहुत सारी मैम पेपर, मैम एग्जाम पेपर देना है, अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मैम मेरे पेपर नहीं है, फिडिंग इज द राइट आंसर राइट। हाँ मुझे भी फिडिंग ही था बट मैंने सोचा क्या पता कभी रेडिंग भी कर दे। एल्कोहलिक पर्सन लैक डैश थिंकिंग, अभी यहाँ पे भी मुझे ना थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि किस में रखे, तो आई गेस एल्कोहलिक पर्सन लैक स्पिरिचुअल थिंकिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज गाय फॉर दिस। मैम मेरे पेपर नहीं है, क्यों मोहित? अच्छा आप तो 9th में हो ना बच्चा। ये वाला 76 का भी बताना बच्चों, 76 का भी बताना। डैश में अराइजेस ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फोन्स, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ फोन करोगे तो भाई सब अराइज होगा, सब अराइज होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू अराइज। ओके लिक्योर इज, हाँ मैं भी एग्जाम कैंसिल होने पे प्रोटेस्ट करूंगी। लिक्योर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्कोहल। सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है ये प्रोग्राम रन करता है जिससे एडुकेशन प्रोवाइड, अच्छा इट इज अ रैशनल, तो बच्चा लोग आशीष इज सेइंग रैशनल एंड आई नो आशीष राइट ही बोलेगा, तो रैशनल इज द राइट आंसर, रैशनल कर लेना। सलाम मुंबई फाउंडेशन रन डैश प्रोग्राम इन दी स्लम एरिया, कौन सा प्रोग्राम रन करते हैं? तो एडुकेशनल प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं। आई डोंट नो बेटा ये अल्कोहल वाला ना थोड़ा सा कंफर्म करके बताती हूँ, बिकॉज सारी चीजें रैशनल इज द राइट ना, स्ट्रेट तो नहीं। हाँ रैशनल वही आशीष कैन नॉट बी रॉन्ग, मुझे पूरा भरोसा है। सलाम मुंबई फाउंडेशन टबैक, अरे टबैको के साथ साथ वो लोग एडुकेशनल प्रोग्राम्स भी तो रन करते थे ना, मतलब टबैको वॉज देयर, वो ओथ लेते थे एंड ऑल दैट, बट टबैको के साथ साथ उनका जो स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का था वो था आई गेस, तो 79 का मुझे एडुकेशन लग रहा है। वेटिंग फॉर यू अदर्स रिस्पॉन्स एज वेल, फिर मैं उसके हिसाब से कर। चलो बच्चा लोग 12 बजने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक के हमने ये फाइंड द ऑड वन आउट ट्रू ऑफ नेम द फॉलोइंग ये सब कंप्लीट कर लेना है। ओके 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 तो चलो नाउ इट्स टाइम। आशीष खान है? नहीं ऐसे तो कोई नहीं है, आशीष इज अ नॉर्मल स्टूडेंट। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन, तो म्यूटेशन इज द ऑड वन आउट, म्यूटेशन क्या है ये ऑड वन आउट है। लीफ वेनिशन, हाँ आखिरकार हो गया। साइज ऑफ सीड लीफ पेटियोल लीफ शेप, तो आंसर विल बी साइज ऑफ सीड, बाकी सब जो है ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। पोजिशन ऑफ आई स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल स्ट्रक्चर ऑफ ईयरपिना, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड इज द राइट आंसर बिकॉज बाकी सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? ह्यूमन हैंड फ्लिपर ऑफ वेल कैट्स फोर लेग्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड, तो विंग्स ऑफ बर्ड इज द रॉन्ग आंसर, आपका ऑड वन आउट ये हो जाएगा। यार इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी बिकॉज मैं उतना, आशीष 10th का बच्चा है, हाँ आशीष 10th का बच्चा है, हमारा प्यारा सा स्टूडेंट है। कैरेट रेडिश पोटैटो और स्वीट पोटैटो, तो पोटैटो इज द राइट आंसर। बर्डिंग रीजनरेशन बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा बाइनरी फिशन बिकॉज वो यूनिसेक्सुअल में होता है, बाकी सब वहां पे होता है मल्टी मल्टी सेलुलर में होता है, यूनि सेलुलर और मल्टी सेलुलर। वास डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, बाकी सब एक ट्यूबलाइक सिस्टम है
क्या स्वीट पोटैटो राइट आंसर है? मुझे लगा बाकी सब वेजिटेटिव पार्ट से होते हैं, उनके रूट हेयर्स। तो आई वाज लिटिल बट कंफ्यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बट मुझे पोटैटो लग रहा है, आई डोंट नो। तो ये कंफर्म कर लेते हैं थोड़ी देर में। वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्योंकि वो ग्लैंड है, बाकी सब एक ट्यूब है। प्रोस्टेट ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल अदर आर दी पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टिग्मा स्टाइल पोलन ओवरी, पोलन इज दी राइट आंसर। पोलन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, हिबिस्कस, पपाया, सनफ्लावर, रोज, मैंगो। बेटा पपाया को छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी सारे के सारे जो हैं बच्चा वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है। हिबिस्कस, सॉरी सॉरी, नहीं, यहाँ पे आपका पपाया जो है ये यूनिसेक्सुअल है और बाकी सब आई गेस बाइस। फिर भी मुझे मतलब आई एम क्वाइट श्योर कि पपाया इज दी आंसर, बट फिर भी इसको कंफर्म कर लेना। कंजर्वेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, कंजर्वेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो पॉल्यूशन इज दी राइट आंसर, पॉल्यूशन इज दी राइट आंसर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जो है ये पल्यूटिंग है, ये हार्मफुल है, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, सोलार हो गया, विंड हो गया, सारे के सारे नॉन पल्यूटिंग है। सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल एंड कोल। तो बेटा ये वाला मुझे थोड़ा सा मतलब वो हो रहा था, बट सिलिकॉन इज दी राइट आंसर, बिकॉज यूरेनियम क्या होता है बच्चा, यूरेनियम, हिबिस्कस। तो हिबिस्कस इज दी राइट आंसर यहाँ पे, पपाया नहीं है। हाँ तो यहाँ पे हिबिस्कस आपका बाइसेक्सुअल है, तो हिबिस्कस कुड बी योर राइट आंसर। यहाँ पे एटॉमिक हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, सोलार, फोटोवोल्टिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या सोलार थर्मल पावर प्लांट। सोलार थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग बात करें तो सब में क्या होता है, पहले सोलार एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते, फिर उससे रोटेट करते। लेकिन सोलार फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा सोर्स है जिसमें डायरेक्टली सनलाइट का यूज करके हम उसको क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 14 इज दी राइट आंसर। वाटर, विंड, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल। तो बेटा यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, बिकॉज ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। समीक्षा में ट्राई करूंगी बेटा। एडिबल ऑयल, एलपीजी, सीएनजी एंड क्रूड ऑयल। तो बच्चों आई एम वेटिंग कि तुम लोग को क्या लगता है इसमें आंसर क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी एडिबल ऑयल, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एज वेल। एडिबल ऑयल इज द राइट आंसर। कोल, नेचुरल गैस, प्लूटोनियम और क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे प्लूटोनियम एक एलिमेंट है और बाकी सब एक तरह के फॉसिल फ्यूल्स में आ जाते हैं, तो प्लूटोनियम कुड बी द राइट आंसर। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टॉर्टेटॉइस, क्रो, लिजर्ड एंड स्नेक। तो बच्चा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टॉर्टेटॉइस, लिजर्ड एंड क्रो में, तो क्रो इज द राइट आंसर। क्रो जो है यस, क्रो इज द राइट आंसर। पिकक, पैरेट, कंगारू एंड डक। तो कंगारू इज द राइट आंसर, ये वार्म ब्लडेड है, बाकी सब जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ह्यूमन, डॉल्फिन, बैट एंड लीजर्ड। तो लीजर्ड कुड बी द राइट आंसर, बाकी सब फाइलम मैमेलिया में जो है इंक्लूडेड होते हैं। कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्पाइडर और हनी बी। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं ये सोच रही थी ये लोग ने किसके बेसिस पे दिया है, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। तो कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, मैं मतलब मैंने जो थोड़ा सा मतलब मुझे भी हंसी आएगी कि यहाँ पे जो ये स्पाइडर है ये बेसिकली क्रॉलिंग एनिमल है, बाकी सब जो है वो फ्लाई करते हैं, तो शायद कोर तो आई गेस स्पाइडर इज द राइट आंसर। व्हाई कॉकरोच? सारी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर बिलोंग करेंगे एंड अलोंग विद दैट बॉडी सिमेट्री भी इनकी एक जैसी है, तो तुम किसके बेसिस पे बोल रहे हो? आई डोंट नो, मतलब मैं थोड़ा सा
कंफ्यूज थी इसके अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि व्हाट एग्जैक्टली आंसर शुड बी. तो तुम लोग मुझे बताओ जरा बच्चा, आंसर क्या होना चाहिए इसका. ओके, स्टारफिश, सी यूरेचिन, नेरिस और सी क्यूकिंबर. तो नेरिस इज द राइट आंसर. ट्यू फीट सिटाई, लेकिन हनी बी किस पे, किसके बेसिस पे बोल रहे हो, ऑन व्हाट बिहाफ आर यू सेइंग हनी बी. तो आई जस्ट वांट टू नो दैट. ट्यू फीट सिटाई, पैरापोडिया एंड सकर. ठीक है, तुमको ये दे रखा है तो इसमें से ट्यू फीट. बाकी सिटाई, पैरापोडिया एंड सकर जो है ये आपके. कॉकरोच फ्लाई करता है क्या मैम? हाँ रुबीना, बिल्कुल करते हैं कॉकरोचेस फ्लाई. इनफैक्ट एवरी कॉकरोच कैन फ्लाई. हाँ मैंने मतलब मैंने सोचा कि या इट इज नाउ क्वाइट इलॉजिकल ऐसे तो मतलब मुझे ना मैं सोच रही थी यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीजन. बॉडी सिमेट्री शेप है, सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा. ओके, पेंसिलिन, नियोमाइसिन, आइसोमेरेस एंड रेफामाइसिन. बाकी सब एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक्स है. आइसोमेरेस जो है एक तरह का एंजाइम है. हाँ वो है ना बेटा, वो है आर्थ्रोपोडा के बेसिस पे, लेकिन सारे ही एग्जाम्पल फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही आते. इसमें सारे ही आर्थ्रोपोडा के, सबकी बॉडी सिमेट्री एक जैसी है, सब बाय यूनिसेक्सुअल है. तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, तो मेरा तो यू कैन जस्ट टेक इट लाइक कि हाँ चलो ये रीजन हो सकता है हमारा स्पाइडर. स्पाइडर मैन उड़ता है ना, नॉर्मल स्पाइडर तो नहीं उड़ता है ना बेटा. तो आइसोमरेज एक एंजाइम है, बाकी सब एंटीबायोटिक्स. हाइड्रोलेज, लाइपेज, पेप्सिन, लाइगेज. पेप्सिन, पेप्सिन जो है ये हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव जूस है, इसकी मदद से डाइजेशन होता है. लेकिन बाकी हाइड्रोलेस, लाइगेस और लाइसेस ये सारे एंजाइम्स है. तो पेप्सिन इज द ऑड वन आउट. बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्लांट. तो प्लांट इज द ऑड वन आउट. खोवा, योगर्ट, बटर और चीज. तो खोवा इज द राइट आंसर, बिकॉज इसको खोवा बनाने के लिए आपको माइक्रोब्स की जरूरत नहीं पड़ती है. एसिडो लैक्टोबैसिलियस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलियस सिजाई. तो पेप्सिन. तो क्लॉस्ट्रोडियम इज द राइट आंसर. क्लॉस्ट्रोडियम एक तरह का बैड माइक्रोब्स है जो कि खाने को खराब कर देता है. हमारा अगर खाना रखा हुआ है तो वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ क्लॉस्ट्रोडियम. तो क्लॉस्ट्रोडियम एक बैड माइक्रोब है, बाकी सारे गुड माइक्रोब्स है. ओके, बाकी सारे क्या है, गुड माइक्रोब्स है. अभी यहाँ पे देखो क्या दे रखा है. फ्रॉग, अर्थवॉर्म, पिंक वॉर्म, इंसेक्टिवरस बर्ड. अभी ये भी एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैं मतलब थोड़ा सा यू नो कंफ्यूज हो रही थी, बट एट द एंड मुझे आंसर पता लगी. बोलेंगे टीचर इतनी कंफ्यूज है तो बच्चे क्या करेंगे. तो बेटा मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, आंटी उसमें डाल दो कैबिनेट में. फ्रॉग, अर्थवॉर्म. तो यहाँ पे बेटा ये जो पिंक वॉर्म है ना, ये पत्ते खाता है, ये अपने आप को क्या करता है, ये अपने आप को लीव्स पे फीड करता है. लेकिन बाकी सारे जो है ना ये वॉर्म्स खाते, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते. तो पिंक वॉर्म इज नथिंग बट बच्चा ये बॉल वॉर्म्स है. तो पिंक वॉर्म इज द राइट आंसर. डीडीटी, यूरिया, मैलेथाइन एंड क्लोरोफिस. तो यहाँ पे यूरिया आ जाएगा, यूरिया इज द राइट आंसर. डायबिटीज, अनिमिया, ल्यूकेमिया, थैलीसीमिया. तो यहाँ पे फिर से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था. वेर आई गॉट डायबिटीज इज द राइट आंसर. डायबिटीज जो है ये राइट आंसर है. ओके, ड्राइंग, सॉल्टिंग, सोकिंग विद शुगर और कुकिंग. कुकिंग इज द ऑड वन आउट, बाकी सब एक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है. हाँ हाँ, डीडीटी फिर से यहाँ पे तो आपका आ जाएगा ह्यूमस. ह्यूमस इज द राइट आंसर, ऑड वन आउट है. ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज द राइट आंसर. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज द राइट आंसर. सोडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. भैया एल्यूमिनियम राइट आंसर है, बाकी सब आयंस के फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. चीज, कर्ड, आइसक्रीम, बटर मिल्क. आइसक्रीम, आइसक्रीम इज द राइट आंसर, बिकॉज आइसक्रीम जो है वो उसको बनाने के लिए ना यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं ना. हाँ आइसक्रीम इज द राइट आंसर, बिकॉज उसको बनाने के लिए आपको, बट बटर मिल्क का मुझे नहीं आइडिया. बटर मिल्क तो
कर्ड से ही बनता है ना, तो कर्ड बनेगा तो बटर मिल्क बनेगा, माइक्रोब लगने ही वाला है। वाह वाह वाह, टीचर ही कंफ्यूज हो गई थी। टेरिवरिस, बिटाटा राइस, इंडियन मस्टर्ड और सनफ्लावर। सनफ्लावर, तो बच्चा लोग यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा टेरिवरिस बिटाटा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्मफुल है। हार्मफुल है आशीष, तुम अभी खोआ की बात कर रहे हो, हम तो बहुत आगे चले गए हैं। ओके अच्छा, इट्स जावेद अंसारी, अभी ये खोवा पे है, मतलब वो थोड़ा लेट देख रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, काउंसिलिंग, टॉयलेट। अब इधर मेरा फिर से थोड़ा सा है, प्रॉब्लम आ ही गया था मुझे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी तुम्हारे सोशल हेल्थ को इफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है, सोशल सिक्योरिटी भी एक सोशल हेल्थ को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है, काउंसिलिंग, काउंसिलिंग कुड बी द वन, टॉयलेट भी सोशल हेल्थ को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है। तो बच्चों, फॉर 38 आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मतलब मैंने पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सोचा, बट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज अगेन अ फैक्टर इफेक्टिंग सोशल हेल्थ। सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर, टॉयलेट इज ऑल्सो देयर। तो आई एम, नहीं, टॉयलेट नहीं आंसर है, हो सकता है मुझे ना थोड़ा सा काउंसिलिंग में लग रहा था, बट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स टू कम। फिर आपको दे रखा है टबैको, लाफ्टर क्लब, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग्स। भैया लाफ्टर क्लब, राफ्टर क्लब, हाँ काउंसिलिंग इज द राइट आंसर ना, हाँ मुझे भी यही लगा था। चलो नेम दी फॉलोइंग करती हूँ और मैं आप लोगों को चाचा बाय बाय बोलूंगी फिर। नेम दी फॉलोइंग में क्या बोला है, आई एम अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टेलिया एंड मैमल्स, हु एम आई। तो मेरा जो नाम है ना बेटा, वो नाम है डक बाइल्ड, डक बाइल्ड प्लैटी पस, डक बाइल प्लेटिपस। हु इज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जॉन ग्रीगर मेंडल, जॉन ग्रीगर मेंडल। तो योर आंसर वुड बी जॉन ग्रीगर मेंडल। विच प्रोसेस इज शोन इन दी फॉलोइंग डायग्राम, कौन सा प्रोसेस शो किया है भैया, प्रोसेस शो किया है ट्रांसक्रिप्शन, ऑलरेडी इट इज मेंशनड ओवर देयर आपको डायग्राम में ही। आप कब आएगा फिर बेटा, मैं अभी 2 बजे फिर से कंटिन्यू करूंगी। इन विच बुक डार्विन पब्लिश द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बच्चों 2 बजे ज्वाइन होना यार, तुम लोग इतने आए ही नहीं मेरे लेक्चर में, सो यू नो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच प्रोसेस इज शोन इन दी डायग्राम, कौन सा प्रोसेस जो है इस डायग्राम में शो हो रहा है, तो बेटा ये जो प्रोसेस डायग्राम में शो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अभी 12 से 1, 1 से 2 मेरा जो है डायरेक्ट एन अकेडमी पे लाइक काउंसिल वो है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। ये आ जाएगा आपका विजडम टीथ, ये क्या आ जाएगा बेटा, विजडम टीथ आ जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हार्मोन्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन से हार्मोन, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हम ले सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन कुड बी द हार्मोन विच इज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन रिप्रोडक्शन, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन सबका बेसिस तो IVF ही है, तो योर आंसर विल बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो राइट आंसर है। हार्मोन सीक्रेटेड बाई द ओवेरी ऑफ अ फीमेल, तो हार्मोन जो फीमेल की ओवेरी सिक्रीट करती है। अभी मैं यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में कंफ्यूज थी, बट एट द एंड आई केम कि नहीं, ईस्ट्रोजन कुड बी द राइट आंसर। द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट बेस्ड ऑन थर्मल एनर्जी, जो पावर प्लांट थर्मल एनर्जी पे बेस्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, हाँ ना दोनों ही आ जाएगा, मुझे लगा अगर एक है तो ईस्ट्रोजन ले लेते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है इंडिया में, तो इट इज इन तारापुर। ये हालांकि रिड्यूस सिलेबल्स का पार्ट था यार, तुमको प्लेसेस नहीं पढ़ना था लेकिन अभी पूछ रहा है काइगा, तो ये सारे आपके जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के स्टेशन है, 2-3 लिख लो। अभी यहाँ पे क्या बोला है, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया, तो ये अभी अपने को ना नोट्स पे जाके
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया में आ जाएगा विद्यानगर विच इज इन मध्य प्रदेश, मुद्रा विच इज इन गुजरात, चंद्रपुर विच इज इन महाराष्ट्र एंड टमनागर विच इज इन छत्तीसगढ़। ये आपके हो जाएंगे पावर प्लांट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है? हार्मोन्स में, हार्मोन्स है क्यू प्लूर, मैं प्लूलर है। ओके, हार्मोन्स। हाँ, तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग बात करें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी चाहिए तो दो ही लिख दो, काइनेटिक पोटेंशियल। हाँ दूंगी, बिल्कुल दूंगी, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। अ मशीन एंड अ इंजन रिक्वायर्ड टू रोटेट द जनरेटर। जनरेटर को रोटेट करने के लिए किसकी जरूरत लगती है? तो जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन। हाँ, दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ, उस पे दूंगी टेलीग्राम पे लिख के। मैं क्या खुद देखूंगी? नहीं ना, खुद को देखना होता तो मैंने ऐसे ही सिर्फ इसमें ही मार्किंग्स करके आ जाती, मैं उतना मेहनत से लिख थोड़ी रही होती। नेम एनी टू नेचुरल गैसेस। दो नेचुरल गैसेस का नाम आपसे पूछा है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इट एज मिथेन एंड इथेन। मिथेन और इथेन, मिथेन एंड इथेन इज दी राइट आंसर। फिर आ जाएगा टाइप्स ऑफ पावर जनरेशन एट चंद्रापुर। कौन सा पावर जनरेशन है चंद्रापुर पे? तो बेटा चंद्रापुर पे अगर हम पावर जनरेशन के बारे में बात करें तो इट इज थर्मल पावर प्लांट। इट इज योर थर्मल पावर प्लांट। बेटा मैं 20 करके स्टॉप कर रही हूँ। एन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम दी फंगाई टू प्रोड्यूस अ वेजिटेरियन चीज। वेजिटेरियन चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करते, कौन सा एंजाइम? तो प्रोटीएज इज दी राइट आंसर। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज फॉर स्टोरिंग दी गार्बेज, दैट इज पॉली टेराफेट पॉलिस्टर। पॉली इथाइलिनी टेराफेट पॉलिस्टर। अ स्मोकलेस फ्यूल। तो बेटा यहाँ पे कोक और चारकोल आ जाएगा आंसर। कोक एंड चारकोल आर स्मोकलेस फ्यूल्स। अब बच्चों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं 20 पे स्टॉप कर रही हूँ। वेनिगर मींस 4% ऑफ एसिटिक एसिड। इसके आगे का जो कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन नंबर 20 से, वो दोपहर में 2 बजे ज्वाइन होंगे और मैच दी फॉलोइंग तक के सारे जो शॉर्ट आंसर्स है उसको खत्म कर लेंगे दोपहर में 2 बजे, रात में 2 बजे नहीं सॉरी, और फिर शाम में साइंस वन के, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाए और फिर जो वन वर्ड है उनके आंसर्स मैं आप लोगों को दे दूंगी। मैम कमेंट में लिंक डाल दो ना ग्रुप का। हाँ बेटा डाल दूंगी, डाल दूंगी बच्चा, डाल दूंगी। ओके, तो अब यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस? यस आई वॉन्ट टू सेव द चेंजेस। ओके 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 ओके। तो गाइस, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया ही था 12 बजे से मेरा अनअकैडमी पे सेशन है और उसकी वजह से आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली। शाम में कब है? शाम में पहले 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 बच्चा 2 बजे करते, जब मैं आप लोगों से, 2 वास्ता जब मैं आप लोगों से मिलूंगी दैट टाइम आई विल टेल यू शाम में कब है। अभी जब मेरे जाने का वक्त आया तब बच्चे आए। वैसे मैं आप लोगों से बहुत कट्टी हूँ, आप लोग आए नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोने लगी थी। एनीवेज आई वांट यू ऑल टू कम एट 2 PM, 2 वास्ता। माजे लेक्चर खत्म होना आ रहा है, नी फटफट 2 वास्ता इथे ये ना रहे। एंड एंड बिफोर गोइंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने आस पड़ोस में, दोस्तों से, मित्रों से, दुश्मनों से, सबसे शेयर कर लेना। मैम ग्रुप में नहीं है PDF, आ जाएगा बेटा, टाइम लगता है। तुमको नहीं पता तुम्हारी मिस कितनी बिजी रहती है, लिखने में टाइम लगता है ऊपर से। श्योर मिस, यूट्यूब पे ना? हाँ यूट्यूब पर अस, अभी मेरा अपना तो कोई एप्लीकेशन है नहीं जहाँ मैं तुम लोग को बुला लूंगी, तो यूट्यूब पर ही बुलाऊंगी। चलो बेटा एग्जैक्टली 12 बज गए हैं, अब मैं चल रही हूँ, आप लोगों को बाय बोल रही हूँ। जाने का मन तो नहीं है बट जाना तो पड़ेगा, जॉब तो करना पड़ेगा, तो मैं आती हूँ अपना जॉब करके आप लोगों से दोबारा मिलने के लिए। ओके, यूट्यूब पर यूट्यूब वर 2 वास्ता आणि तुमचे फ्रेंड वर लापन शेयर करा, आता मी निघते।
गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और 2 बजे मैं दोबारा आ रही हूँ। बाद में मैं एडिटिंग कर दूंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 विचुअल मेक इजी फॉर यू। चलो बच्चा लोग, टाइम नहीं है यार बकवास करने की। चलो बाय। तो